जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन होते हैं। पहला लोकसभा, जिसमें आम जनता का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है, और दूसरा राज्यसभा, जिसे राज्यों का परिषद या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शासन चलाता है। और मैं आपको लगभग 10 पॉइंट बताऊंगा, अंतर बताऊंगा, आप उसको देखते जाइए और कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। पहला, लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तीसरा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 250 होती है। चौथा, लोकसभा में केवल धन विधेयक को ही पेश किया जा सकता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। पांचवा, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। छठवां, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। सातवां, लोकसभा को निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। आठवां, लोकसभा में यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। नौवां, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कला, शिक्षा, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दसवां, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।